योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का आतंकवादी घटनाओं पर बड़ा बयान। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में जो इंडी गठबंधन ने जो भ्रम पैदा किया है, पिछले 10 साल से किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई थी हमला करने की। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण से हो रहे हैं, जो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें नहीं चाहती थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कांवड़ यात्रा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर बोले, देश में पहले भी वही राज्य सबसे संपन्न होता था जिसका पानी का प्रबंध अच्छा होता था। जहां जल है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां कल्याण है। और ये जो कांवड़ यात्रा है देश की कल्याणकारी यात्रा है। माँ गंगा को अपने कंधे पर रखकर गंगा को भक्त लाते हैं, तो जो लोग इस पर कुछ कह रहे हैं उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। कर रहा है सर, विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अग्निवीर को लेकर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कल कारगिल युद्ध के बारे में, देश ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और वास्तव में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, देश में जो इंडी गठबंधन ने जो भ्रम पैदा किया, 10 साल कोई भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई थी हमला करने की। कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं वो इंडी गठबंधन के कारण से एक बहुत बड़ी स्थिति, आतंकवादियों का जो मनोबल बढ़ा है, तो वो ये इसका यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो नहीं चाहती थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिनका प्रयोग विपक्ष ने करने का काम किया है। आज हम स्थिति में, आज हमारे देश का गौरव बढ़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। मंत्री जी, कांवड़ यात्रा चल रही है, सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांवड़ ये उपद्रवी है, जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल है, उपद्रवी कांवड़ियों को बताने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा संगठन लगा हुआ है, किस तरह देखते हैं? देखिए, देश में हमारी अर्थव्यवस्था में वही राजा, राजतंत्र में भी वही राजा सबसे संपन्न होता था जिसके पानी के प्रबंध अच्छे होते। जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। और ये जो कांवड़ यात्रा है वो देश के कल्याणकारी यात्रा है। माँ गंगा को अपने कंधे पर रखकर गंगा भक्त लाते हैं, तो उसके लिए जो लोग कह रहे हैं उनकी भर्त्सना होनी चाहिए।